What physical quantity is the same for X-ray of wavelength 10 to the power minus 10, red light 6800 angstrom and रेडियो वेव्स 500 मीटर। मतलब इन तीनों चीजों में ये तो हमें समझ में आ गया कि हाँ वेवलेंथ भाई सबकी अलग अलग है, वेवलेंथ सबकी अलग अलग है तो फ्रीक्वेंसी भी सबकी अलग अलग होगी, तो सेम क्या होगा? याद करिए हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं, सी इज इक्वल टू एफ लैम्डा। फ्रीक्वेंसी बदलती है तो वेवलेंथ भी बदलती है, वेवलेंथ बदलती है तो फ्रीक्वेंसी बदलती है, लेकिन कॉन्स्टेंट क्या रहता है? स्पीड ऑफ लाइट। और ये सारी चीजें लाइट ही तो हैं, लेकिन हम लोग इन्हें क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो हम लोग बोलेंगे स्पीड ऑफ ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज सेम। हमसे यही तो पूछा गया है कि कौन सा फिजिकल क्वांटिटी सेम है, इज सेम इन वैक्यूम। ये भी बता दीजिए कि ये हम वैक्यूम की बात कर रहे हैं, यानी तब C इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड होगा। ठीक है, तो यहां पर कौन सी फिजिकल क्वांटिटी सेम है? द आंसर इज स्पीड। वेलोसिटी भी आप लिख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है।